उमरिया में जिला कृषि पदाधिकारी के द्वारा एक चौकीदार को जलील करने के मामले ने सियासत शुरू कर दी है। प्रमुख विपक्षी दल राजद ने इसे नीतीश सरकार में अधिकारियों के बेलगाम होने का नतीजा बताया है। राजद नेता भाई बीरेंद्र ने कहा कि नीतीश सरकार में अधिकारी बेलगाम हो गए हैं। उन्होंने कहा कि एक और कोरोना वॉरियर पर हमला करने वाले पर सरकार रसुका लगाने की बात कहती है, वहीं एक अधिकारी से पास मांगने पर उसे सरेआम जलील किया जाता है। राजद ने संबंधित अधिकारी पर कड़ी कार्रवाई की मांग की है। वहीं सरकार के मंत्री नीरज कुमार ने कहा कि अररिया के डीएम और एसपी मामले की जांच कर रहे हैं, रिपोर्ट के आधार पर नियम अनुसार कार्रवाई की जाएगी। अररिया से एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें एक सिपाही को अररिया जिला कृषि पदाधिकारी उठक बैठक करवा रहे हैं। देखिए, बिहार में शासन प्रशासन का नाम को कोई चीज़ नहीं है, ब्यूरोक्रेसी का राज है यहाँ पे। और जिस तरह से वीडियो भी मैंने देखा है, एक तरफ डीजीपी साहब कहते हैं कि जो हमारे पुलिस को पर हाथ चलाएगा उसको रासुका लगाएंगे, उसका हाथ तोड़ देंगे। दूसरी तरफ उन्हीं के पुलिस को कान धरकर उठा बैठी कराया गया, गाली गलौज कराया किया गया और सस्पेंड करने की बात कही गई। यही नीतीश कुमार जी की सरकार है और इनके सरकार में जितने बहके पदाधिकारी हैं उनको सरकार तरजीह देने का काम करती है। मैं सरकार से मांग करूंगा कि तत्काल उनको सस्पेंड करें और उनको विभागीय कार्रवाई करने का काम करें। सिर्फ उठक बैठक ही नहीं करवाया जाता है, उनके पैरों में जिला कृषि पदाधिकारी पैर परवाया कि माफ़ी मांगो नहीं तो तुमको सस्पेंड कर देंगे। अब डीजीपी साहब का अंतरात्मा क्या कहता है, केवल निरीह जनता पर इनका कानून चलेगा कि पदाधिकारियों पर भी इनका कानून चलेगा, मैं ये जानना चाहता हूँ। अररिया का एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें साफ दिख रहा है कि जिला कृषि पदाधिकारी पुलिस कांस्टेबल को उठक बैठक करवा रहे हैं। ये कोरोना वॉरियर्स हैं ये, और निश्चित रूप से ये एक चुनौतीपूर्ण लड़ाई देश और दुनिया के अंदर लड़ा जा रहा है जिसकी कोई दवा नहीं है। तो जैसे ही यह मामला संज्ञान में आया, जिलाधिकारी अररिया और पुलिस अधीक्षक अररिया ने संयुक्त रूप से टीम का गठन कर दिया है। उसका प्रतिवेदन जो भी आएगा तो विधि सम्मत कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। नौकरी से न निकालने के शर्त पर उन्होंने अपने पैर में माफ़ी मंगवाई है। अब ये पूरी प्रक्रिया जब जांच के दायरे में है, जांच का तो टर्म कंडीशन होगा ना, जो जो मामला आया होगा सबकी जांच हो रही होगी, और जांच तुरंत हम लोगों को जानकारी के पहले जिला प्रशासन ने इसको तुरंत संज्ञान में ले लिया। लेटेस्ट खबरों के लिए देखते रहिए MUZ News और ताज़ा अपडेट पाने के लिए चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें।